सुप्रभातम भैया, अध्याय 18 प्रायिकता अपने चल रहा है। प्रायिकता के 10 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और एक अंतिम क्वेश्चन रह गया था 11, जो ताश से संबंधित क्वेश्चन है। ताश से संबंधित मैंने आपको कुल घटनाएं बनाना सिखाया था, किस प्रकार बनती है। उसके बाद फिर भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसके अंदर 4-5 पूछे, मैं डायरेक्ट उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो, 52 पतों की एक ताश है, उसको अच्छी तरह से फैटी गई है, यानी फैटी गई का मतलब अच्छी तरह से फीस की हुई है, ठीक है नहीं। उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके अंदर कुछ सवालों की प्रायिकता पूछी है। लाल रंग का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, पहला सवाल पूछा है लाल रंग का गुलाम। तो यहाँ देखिए, ताश है तो ताश में टोटल सैंपल बता दीजिए आप मुझे, पहले सवाल का उत्तर। टोटल सैंपल कितने होंगे? 52 ही होंगे भाई, 52 पत्ते होते हैं। उसके बाद में इसने कहा है कि लाल रंग का गुलाम, अब लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? देखिए भाई, एक तो ईंटा का गुलाम, एक पान के पत्ते का गुलाम, दो गुलाम होते हैं लाल रंग। तो अनुकूल घटनाएं हमारे लिए कितनी है? एम बराबर 2। तो प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र हो जाएगा, एम अपॉन एन पीई इज इक्वल टू 2/52। टोटल घटनाएं 52, इसको सरल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 1/26। ये पहले सवाल का उत्तर आ गया। इसी प्रकार दूसरे सवाल के अंदर दिया हुआ है आपको, जो सवाल पूछा है वो है लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? देखिए, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के, कुल मिला के 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो एस टोटल सैंपल हमारे पास तो 52 ही है, एम बराबर है हमारे पास 26। प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है हमारे पास, एम अपॉन एन। तो प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है, 26/52, 26 × 26, 26 × 2 = 52, बराबर 1/2। ये दूसरे सवाल का उत्तर। इसी प्रकार तीसरे सवाल का उत्तर मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या पूछा हुआ है? इसके अंदर पूछा हुआ है पान का इक्का। अब पान का इक्का एक ही होता है, तो टोटल सैंपल तो 52 ही है हमारे पास पत्ते, और पान का इक्का एक ही होता है पूरी ताश में। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा एम अपॉन एन, तो 1/52। इसी प्रकार चौथे सवाल का उत्तर, चौथे सवाल के अंदर हमें ज्ञात करनी है ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही होती है, टोटल पत्ते तो 52 ही है, और ईंट की बेगम यानी अनुकूल घटना एक ही है, और प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है एम अपॉन एन, अर्थात 1/52। उसके बाद में अंतिम सवाल है इसका, पांचवा मैं यहाँ करवाने जा रहा हूँ। अंतिम सवाल के अंदर आपको पूछा है हुक्म का पता। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हुक्म के पत्ते, जैसे जो पत्ता होता है उसके पीछे चूटा बना हुआ रहता है, वो हुक्म के पत्ते कहलाते हैं, और हुक्म के पत्ते यहाँ 13 होते हैं। तो यहाँ एस टोटल घटनाएं तो 52 ही है, 52 पत्ते हैं, और हुक्म के पत्ते हमारे पास में है 13, और प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है हमारे पास एम अपॉन एन, अर्थात 13/52, 13 × 13, 13 × 52, इस प्रकार 1/4। इस प्रकार हमारा जो हुक्म के पत्ता की जो प्रायिकता है वो 1/4। इस प्रकार ये जो अंतिम सवाल था हमने कर दिया है। आज हम नया चैप्टर अध्याय 1 वैदिक गणित प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं अपन छोटी छोटी कक्षाओं में लगा के, क्योंकि वैदिक गणित के बारे में हमें पहले से भी काफ़ी जानकारी है, फिर भी थोड़ी शुरुआत अपन एक सवाल से करते हैं आज। सर्वप्रथम वैदिक गणित मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्न माला 1 डायरेक्ट एक ही है, तो अध्याय 1 नाम है वैदिक गणित, और प्रश्नमाला एक ही है। और उसका हम पहला सवाल लेने जा रहे हैं डायरेक्ट, उसके अंदर सवाल के अंदर समझा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पहला सवाल ये कह रहा है कि निकलम विधि से भाग दीजिए, निकलम विधि से भाग दीजिए, निकलम विधि से भाग देना। निकलम विधि में हमेशा आधार लिया जाता है, निकलम विधि कहीं पर भी लिखा जाता है तो आधार लिया जाता है। आधार किसके नज़दीक होता है? आधार 10, 100, 1000 के नज़दीक आधार लिया जाता है। आधार हमेशा 10, 100, 1000 लिया जाता है।
यानी 10 के गुणज में आधार लिया जाता है। जैसे अगर इसके अंदर अपन को निकलम विधि से भाग देना, तो भाग देना जैसे पहला सवाल है 1245 में 97 का भाग देना है, तो सर्वप्रथम यह आधार लेना पड़ेगा, आधार यहां लेना पड़ेगा 100, क्योंकि 97 जो है ना वो 100 के नजदीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका आधार 100, क्योंकि निकलम विधि है तो आधार लेना पड़ेगा। और उसके बाद में भाग देना, तो इसके तीन खंड करने पड़ेंगे, ये तीन खंड, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, पास में हो जाएगा ये तीसरा खंड। जिसका भाग देना है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा 97 पहले, जिसका भाग देना है उसको आगे लिखना, फिर इसका विचलन निकालना पड़ेगा, ये जो 97 है 100 से कितने कम है, 3 कम है, तो इसको लिखना पड़ेगा 03 और -03, क्योंकि कम है, अगर 103 होते तो 03 लिखते, अगर कम है इसे तो ये -03 यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में आधार 100 में कितने जीरो है, 20, आधार 100 में 20 होते, तो ये दो अंक है ना, ये वाले दो अंक यहाँ तीसरे खंड में हमेशा लिखे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ आधार 10 होता तो एक अंक यहाँ आ जाता तीसरे खंड, अगर आधार 1000 होता तो ये तीन अंक यहाँ तीसरे खंड में लिखते हैं। अब आधार 100 है तो यहाँ 20, तो दो अंक अपन को लिखने हैं बाहर, ये तीसरे खंड में, तो पीछे कौन से अंक बचे, 1 और 2, ये आ जाएंगे मध्य खंड में, और यहाँ पर ये लाइन है। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल को बनाने का एक तरीका हो गया। और ये जो विचलन जो आया है -03, ओ तो यहाँ जब भी निकलम विधि से आएगा तो यहाँ धनात्मक आ जाएगा, विचलन यहाँ उल्टा आ जाएगा, तो यहाँ 03 लिखना, खाली माइनस है तो माइनस को हटाना, उसके स्थान पर 03 लिखना। फिर क्या करना, ये पहले वाले अंक को है जैसे कि जैसे यहाँ उतारना, ये उतारना, ये इसका गुणा इस 03 से करना, 03 से करने के बाद में यहाँ पहले का अंक यहाँ 1 उतारा, अब 03 यहाँ शुरू करेंगे लिखना, ये 0 ये 3 यहाँ लिखेंगे, फिर इसकी जोड़ करना 2 और 0, ये 2 जोड़, फिर 2 का वापस 03 से गुणा करेंगे तो 06 ही होगा। अब आपने 03 क्यों लिखा, कि आधार 100 में 20 है तो 2 अंकों के रूप में इसको आगे लिखना, तो इसलिए 06 लिखेंगे, 03 लिखा, अब 06 लिखना पड़ेगा। अगर 2 अंक आ जाते 12 तो सीधे ही 12 लिख सकते थे, अब 2 अंक नहीं है इसलिए 0 बना के हमने 03 लिखा। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा इससे करना है, वो अपन को आगे उतारना, जैसे 2 का गुणा 03 से करेंगे 06, तो 06 को यहाँ उतारेंगे, फिर यहाँ जोड़ करनी 6 5 11, और ये हो जाएगी 7 और 1 8, ये जो यहाँ मध्यखंड में बचा ये भागफल कहलाएगा और ये शेषफल, तो यहाँ पर भागफल हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 12 और शेषफल 81। तो इस प्रकार हमने इसको भाग दिया। एक और मैं इसका पहला सवाल, ये पहले का पहला था, अब मैं पहले का दूसरा लेने जा रहा हूँ सवाल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले का दूसरा सवाल आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन निकलम विधि में जो किताब में सवाल दिए वही करने का अपन को प्रयास करना है। बाकी सवालों के अंदर विधि हो सकता है कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण रह सकती है, और बिना त्रुटिपूर्ण सवाल एक ही है, ध्वजांग विधि द्वारा भाग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है, इसमें कुछ फिक्स सवाल है जो किताब में दिए वही अपन को क्लियर करने हैं। जैसे दूसरा सवाल 311/8, 311/8, अब देखिए आधार लेना, आधार 10 है तो विचलन लेना, आधार 10 तो विचलन माइनस में आएगा, माइनस तो अब यहाँ 0 नहीं लगाना, क्योंकि आधार 10 में 1 0 तो 1 अंक लिखना, विचलन माइनस तो फिर इसके तीन खंड करने, जिसका भाग देना है उसको आगे वाले खंड में लिखना, और विचलन माइनस 2 है तो यहाँ धनात्मक 2 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर कितने अंक है, 0 में 1 अंक है, 1 0 है, तो 1 अंक बाहर रखना, और मध्य खंड में शेष अंक आ जाएंगे, ये मध्य खंड में आ जाएंगे, और यहाँ पर ये लाइन खींचना, लाइन खींचने के बाद में क्या करना, इस अंक को पहले डायरेक्ट उतारना है जैसा कि जैसा 3, ये उतारना, इसका गुणा इससे करेंगे तो इसको यहाँ उतारना, 3 दूनी 6 को यहाँ उतारना, 6 और कितने हुए 7, फिर 7 का गुणा इसे करना, 7 दूनी 14, तो 14 को यहाँ लिखना, 4 और 5 1 और 1। अब यहाँ पर एक समस्या देखिएगा कि अगर हम 8 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो शेषफल 15 बच सकते हैं क्या, यानी जिसका भाग दे रहे उससे ज़्यादा शेषफल बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अपन को आगे करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 में 8 का भाग देना पड़ेगा, सामान्य जो अपन देते हैं तो 15 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ +1 और यहाँ -8, एक बार भाग देंगे तो -8, अब ये 37 और 1 जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 38,
और 15 में से 8 गए क्या बचेंगे 7। इस प्रकार थोड़ी सी विधि आगे करने वाली है। अगर यहाँ शेषफल जिसका भाग दे रहे हैं भाजक से भी ज़्यादा बचते हैं तो उसको एक बार अपने भाग बढ़ा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर भागफल अपना आ जाएगा 38 और शेषफल हमारे पास बचेगा 7। इस प्रकार इसका उत्तर निकल जाएगा। अब इसका एक अंतिम सवाल, लास्ट सवाल ले रहे हैं अपन, अंतिम सवाल तीसरा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल अब देखिएगा, 1013 में 88 का भाग देना, भाग 88। अब देखिए आधार 100, विचलन देखिएगा 100 से कितने कम है -12, ये विचलन -12। तीन खंड करने, पहला खंड, ये दूसरा और ये तीसरा अपने आप हो गया। 88 को यहाँ लिखना, विचलन -12 है तो यहाँ धनात्मक 12 लिखना, 20 है यहाँ पर तो 2 अंक बाहर रखने, यानी 13 यहाँ बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 और 0। यहाँ ये खींचना लाइन, फिर 1 उतारना, 1 12 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे, फिर इसको 1 उतारना, 1 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 होंगे, फिर यहाँ जोड़ कर देंगे 5, ये 4। अब देखिए 88 का भाग दे 45 शेषफल बच सकता है तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 45। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आज अपन इतना ही करेंगे, आगे वाला सवाल कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।